वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि बड़े हो गए। आई नो बहुत दिनों बाद आया हूँ, बहुत टाइम से व्लॉग भी नहीं आया, पर कोई बात नहीं। थोड़ा इंटर्नशिप के लिए आपको तो पता ही है, जब नया नया होता है तो उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, बट अब से हम रेगुलर आ जाएंगे। तो आज हम जा रहे हैं एक वीडियो शूट करने के लिए, तो स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग बेसिकली। तो उसे प्लीज़ लाइक कर देना वो वीडियो को, और आप भी देख लेना अगर आपको अहमदाबाद के स्ट्रीट फूड्स खाना हो और ट्राई करना हो तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो आप भी वो वीडियो देख लेना। आज के ब्लॉग में हम दिखाएंगे कुछ बिहाइंड द सीन्स और वही हमारी रोज़ की जर्नी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बोर नहीं करते, ठीक है? चलो हम लोग तो आ गए हमारी लोकेशन पे और अभी फूड रिव्यू करेंगे। तो लोकेशन है HL कॉलेज। तो चलो अभी बना वो सब है ना फूड वाला, वो आप लोग उसमें देखना। तो फूड वाले मतलब क्या है, उसके बाद का जो आएगा वो वीडियो, ठीक है? चलो तो गाइस अभी तो हम जा रहे हैं रिवर फ्रंट, देखते हैं सुबह का नज़ारा क्या होता है क्या नहीं। तो अभी चलते हैं और बहुत सारी नई चीज़ें खुली है, तो देखते हैं कि वो अभी भी वहाँ है कि नहीं। फूड नामा तो हमारा ख़त्म हो गया है, तो अब ब्लॉगिंग नामा फिर से शुरू। तो चलो चलते हैं, नज़ारे ये है दिखाएगा। ये मेरा कैमरा मैन है, भैया कैमरा मैन है, ना फोकस देखता है ना कुछ देखता है, रीटेक वीटेक कुछ नहीं बोलता, सिर्फ मेरे को देखते रहता है। इतने गंदे वीडियो उतारता है ना, पर छोड़ो कोई बात नहीं। कॉन्टैक्ट जैनिल 69 मी, और कोई बात नहीं, दोस्त है तो जाने देता हूँ, अगली बार से ध्यान रखना भाई, है ना? ठीक है चलो चलते हैं। तो भाई लोग अभी तो हम आ गए अटल ब्रिज, तो देखते हैं उसके नज़ारे। मम्मी भाई सिस्टम भाई, सब जगह सिस्टम ही सिस्टम चल रहा है भाई। तो भाई टिकट विकेट तो ले लिए, 10-15 रुपए की आएगी टिकट, मैंने दिखा दिए गाइस। मुझे इसके लिए मेरे घर के पेपर्स गिरवी रखने पड़े। हाँ, और इसकी तो चाइल्ड वाली आई, मेरी नॉर्मल आई है। सो आप अगर चाइल्ड को साथ लेके जा रहे हो तो चाइल्ड वाली टिकट अलग है। तो भाई अभी एंट्री कर रहे हैं और नज़ारे बहुत ही बढ़िया है, तो दिखाता हूँ आपको। चलो देखो भाई, यहाँ एंट्री होती है और साइड में एग्जिट है, अगर टिकट ना लेनी हो तो साइड से एग्जिट से जा सकते हो। गाइज वो जो आपको दिख रहा है वो है क्रूज, जिसमें हम बैठ के खा सकते हैं। वो वाला सब नया नया स्टार्ट किया है रिवर, मतलब ये क्या है रिवर फ्रंट में, तो सब एक्सप्लोर करेंगे। हवा तो बहुत चल रही है यहाँ पर, तो भाई लोग रिवर फ्रंट पे तो बहुत बढ़िया हवा चल रही है। गाइज अभी आपको पानी दिखाता हूँ, इधर से ही दिखाता हूँ, देखो ना ये देखो। इस पर पहले हम चल भी सकते थे, फिर उनको पता चल गया कि नहीं हमने ऐसा कुछ अच्छा बनाया नहीं है, लोग गिर जाएंगे, तो इसीलिए ऐसा कर दिया। भाई ये लोग तो यहाँ पर 30 रुपए की पानी की बोतल बेच रहे हैं, तो मैंने कहा कि ये तो कहीं पावागढ़ है कि ऊपर चढ़े और प्राइस बढ़ गया। गाइस देखो बोतल पर ज़ूम कर, गाइस MRP देख रहे हो, 110 110 रुपए की पानी। भाई हम महंगा पानी पीते हैं, तो मैंने तो यही कहा कि आप क्या पावागढ़ पे हो, तो ऊपर चढ़ते ही प्राइस बढ़ा दिए। ला भाई टेस्ट करा 110 रुपए का पानी, ढक्कन तो ले। बहुत डिफरेंट है गाइस, अमृत पी लिया। ये क्या नाम है, आवा का अमृत। जा
जावा भाई, जावा को याद नहीं करना, कंप्यूटर वाले जावा को याद मत करना। देखो गाइस यहाँ पर पब्लिक भेड़ बकरियों की तरह चढ़ रही है, और वो लोग हम लोगों को देख के उनका जीवन एंजॉय कर रहे हैं इतना बढ़िया। तो गाइस यहाँ पर वो बोट थी, अब वो चलने लगी। अभी इसमें कौन बैठा है, कौन घूम रहा है, वो तो कुछ पता नहीं है। सिर्फ दो जन दिख रहे हैं, उनके लिए बोट चलाई गई है। अच्छा है, अच्छा है। देखो गाइस बोट स्लोली स्लोली हमारी तरफ आ रही है। गाइस ये सामने बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है ना, वो बिल्डिंग नहीं है, वो पार्किंग है। और अहमदाबाद में हर सब जगह पे अब ये पार्किंग बन चुका है। आप काकरिया कहो या कुछ भी कहो, सो आपको पार्किंग की फैसिलिटी पूरी मिल जाएगी, देख सकते हो। मेरी भाई हो गया है फाइनल, हम जा रहे हैं इंडिया पाकिस्तान देखने के लिए, पर अगर टिकट मिल जाए तो ही जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, ट्राई करेंगे पूरा का पूरा। हाँ भाई हॉर्न बजा ले। गाइस क्या लगता है इस बार मौका मौका होगा या नहीं होगा? होगा होगा, इंडिया जीतेगी, वर्ल्ड कप भी जीतेगी। वेस्ट इंडीज के सामने पहली T20 में प्रूव हो गया कि इंडिया जीतेगी, वर्ल्ड कप जीतेगी, और बहुत ही गंदी तरीके से, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से जीतेगी, और सब लोगों सब टीम को बहुत ही गंदी तरीके से हराने वाली है भाई, जय साका स्टेडियम में। भाई माई भाई की कमी महसूस होती है? नहीं नहीं होती है भाई, नहीं होती है, सार्कास्म में बोल रहा हूँ। भाई लोग जरूर बताना कि ये व्लॉग कैसा लगा है, अगर किसी भी एंगल से अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। टारगेट ऐसे बढ़ रहा है तो उसे ऐसे ही बढ़ने देना, सपोर्ट करते रहो, अमेजिंग व्लॉग्स आते रहेंगे, हम मेहनत करते रहेंगे और आप देखते रहोगे, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय श्री राम।